क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीर्य को गाढ़ा करने और सेक्स पावर बढ़ाने पर कुछ जरूरी जानकारी। कई मर्द वीर्य के पतलेपन की समस्या से परेशान होते हैं। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में अनियमित खान पान में पौष्टिक तत्वों की कमी और कुछ गलत आदतों के कारण ज्यादातर मर्द वीर्य के पतलेपन, नपुंसकता, शीघ्र पतन, शुक्राणुओं की कमी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। पुरुष की नपुंसकता के लिए सबसे आम कारणों में से एक है क्योंकि जो शुक्राणु अंडे से मिलने वाला होता है, हो सकता है कि उस शुक्राणु का उत्पादन ही नहीं हो रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार वीर्य की सामान्य संख्या कम से कम 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर वीर्य यानी कि शुक्राणु होती है। कम से कम 15 मिलियन शुक्राणु प्रति मिलीलीटर कम शुक्राणु की संख्या में माना जाता है, जिसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वीर्य को गाढ़ा करने के कुछ आश्चर्यचकित घरेलू उपाय। अश्वगंधा। अश्वगंधा कई औषधीय गुणों से भरा होता है। इसका प्रयोग महिला व पुरुषों के गुप्त रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद में सदियों से चला आ रहा है। अश्वगंधा जड़ का जूस पीने से वीर्य को गाढ़ा बनाने में मदद मिलती है। वीर्य की मात्रा या शुक्राणु की गतिशीलता को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये जड़ी बूटी स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को भी बढ़ाता है। एक गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाएं और प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही दिनों में आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा और शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। पैनेक्स जिसिंग कोरियन जिनसिंग के रूप में ही माना जाता है। ये दवा तनाव को दूर करने के लिए चाइनीज दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता की वृद्धि करने के लिए इसका सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। लहसुन। हर किचन में भोजन के स्वाद को बढ़ाने वाला लहसुन आपकी वीर्य को गाढ़ा करने में काफी मददगार साबित होता है। ये प्राकृतिक रूप से आपको सेक्स करने के लिए प्रेरित भी करता है। लहसुन शुक्राणुओं के उत्पादन को बढ़ा देता है और लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक मौजूद होता है जो वीर को बढ़ाता है और आपके शरीर में रक्त परिसंचालन को भी सुधारता है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद सेलेनियम शुक्राणु गतिशीलता को बेहतर बनाने में मदद करता है। ग्रीन टी। ग्रीन टी में एक एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा होती है जिसके कारण ये फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ये शुक्राणु कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को बेअसर कर देती है। ग्रीन टी में मौजूद एपिगैलोकैटिन गैले शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे गतिशीलता बढ़ती है और इस प्रकार गर्भ निषेचन यानी कि कंसीव करने के लिए इसकी क्षमता में सुधार होता है। माँ का जड़। काला किस्म का माँ का जड़ शुक्राणु उत्पादन और उसकी गतिशीलता को मजबूत बनाने में मददगार होता है। ये एक लोकप्रिय प्रजनन जड़ी बूटी होती है जो हार्मोन संतुलन में मदद करती है। इसके लिए कुछ महीनों तक प्रतिदिन 1-3 चम्मच माड़ा जड़ का चूर्ण सेवन करें और पूरे दिन में 2 बार ऐसा करें। इसे 1 गिलास पानी में प्रोटीन शेक या फिर इसे चुटकी भर लेकर अपने खाने में मिला सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। एक्सरसाइज स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन को बढ़ा देने में मददगार होता है। शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए पूरे दिन में 1 घंटे प्रतिदिन एक्सरसाइज जरूर करें, बाहर से जुड़ी शारीरिक गतिविधियां बस साइकिलिंग को छोड़कर, और साथ ही भार प्रशिक्षण जिसमें कि आप बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं वो सब छोड़कर बाकी की सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। हालांकि अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इससे आपके वीर की संख्या कम होना शुरू हो जाता है। कौच का बीज। कौच बीज का चूर्ण वीर को गाढ़ा करने के लिए काफी असरकारी उपायों में से एक माना जाता है। इसके लिए कौच के बीज को रात भर के लिए पानी में डाल दीजिए, सुबह इसका छिलका हटा लें और धूप में सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसे सुरक्षित रख लें। इस चूर्ण में से 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करें। कुछ ही दिनों में वीर गाढ़ा होगा, सेक्स क्षमता बढ़ेगी और नपुंसकता की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अगली जड़ी बूटी है दमियना। दमियना वीर की घटती संख्या के लिए एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। 1/4 चम्मच सूखी दमियना की पत्तियों को 1 कप गर्म पानी में डालकर 5-10 मिनट तक उबालकर छानकर शहद मिलाकर पीने से लाभ होता है। इसके लिए दिन में 3 बार कुछ महीने तक लगातार पीना जरूरी है। और इस तरह की किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें ताकि आपको इन सारी चीजों का फायदा ज्यादा मिल सके। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए क्विक आयुर्वेद को। नमस्कार।